ध्यान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं गरुड़ पुराण के बारे में कि आखिर क्या है गरुड़ पुराण और क्या लिखित है इस पुराण में। दोस्तों, पुराण साहित्य में गरुड़ पुराण का एक प्रमुख स्थान है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि किसी के मरने के पश्चात गरुड़ पुराण करवाने से उस जीव को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस पुराण की विशालता की बात करें दोस्तों, तो गरुड़ पुराण में 289 अध्याय हैं तथा इसमें 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है, जैसे कि प्रेत लोक, यम लोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से हम सबको बताया गया है। इस पुराण में कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का भी वर्णन मिलता है। साधारण लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ को किसी परिचित की मृत्यु होने के पश्चात ही पढ़वाया जाता है। वास्तव में इस पुराण में मृत्यु के पश्चात पूर्ण जन्म होने पर गर्भ में स्थित भ्रूण की वैज्ञानिक अवस्था सांकेतिक रूप से बखान की गई है, जिसे बैतरणी नदी आदि की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, प्रेत योनि में भोग रहे व्यक्ति के परिजन या फिर उनके सगे संबंधी के गरुड़ पुराण करवाने से जो नरक में अपना दंड भोग रहे हैं, उसे आत्म शांति की प्राप्ति होती है और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में प्रेत योनि एवं नरक से बचने के उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु हुए जीव की आत्मा की सदगति हेतु पिंड दान आदि एवं श्राद्ध कर्म अत्यंत आवश्यक बताया गया है, और यह उपाय पुत्र के द्वारा अपने मस्तक पिता के लिए है, क्योंकि पुत्र ही तर्पण या पिंड दान करके पुण्य नामक नर्क से पिता को बचाता है। दोस्तों, इस पुराण में जो सबसे अहम चीज की चर्चा की गई है, वह है मृत्यु के बाद क्या होता है। दोस्तों, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की इच्छा सभी को होती है, और सभी अपने अपने तरीके से इसका उत्तर भी देते हैं। गरुड़ पुराण भी दोस्तों इसी प्रश्न का उत्तर देता है। मनुष्य अपने जीवन में शुभ अशुभ, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक जो भी कर्म करता है, गरुड़ पुराण ने उसे 3 भागों में विभक्त किया है। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शुभ अशुभ अच्छे बुरे कर्मों को इसी लोक में भोग लेता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है। और तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नर्क को प्राप्त करता है। दोस्तों, साधारण शब्दों में अगर जो कहा जाए तो गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की दशा को दर्शाया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है, उसके किस कर्म की क्या क्या सजा होती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। वास्तव में गरुड़ पुराण सुनने से मनुष्य को सच्चे ज्ञान एवं वैराग्य की प्राप्ति होती है, और वह बुरे कर्म करने से बचता है तथा जीवन का यथार्थ ज्ञान उसे मिलता है। तो ये था दोस्तों जानकारी कि गरुड़ पुराण क्या है और उसमें क्या वर्णित है। अगर आप गरुड़ पुराण के बारे में और भी अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे ब्लॉग पर जाकर गरुड़ पुराण के बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और आपको वहाँ और भी आध्यात्मिक कंटेंट पढ़ने को मिल जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना ना भूलें। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है दोस्तों, तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।